फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आई, नोज, ईयर, लंग्स, किडनी, हार्ट। पर क्या सभी डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, सभी डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वैसे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स आप समझते होंगे कि डाइजेशन मीन्स जब हमारा फूड पेट में स्टमक में जाता है तो हम उसको डाइजेशन बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा डाइजेशन जो है वो मुंह से भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप स्वीट कैंडी को ले लीजिए, जिसको बुढ़ी की बाल बोलते हैं, या सोन पापड़ी को ले लीजिए। इसका जो डाइजेशन है ये हमारे मुंह में ही हो जाता है। ये मुंह में रखते के साथ ये घुल जाता है और डाइजेशन इसका हमारे मुंह में ही कंप्लीट हो जाता है। हालांकि ये एक्सेप्शनल है, पर ज्यादातर हमारा जो है पूरा एक प्रोसेस के थ्रू डाइजेशन कंप्लीट होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक प्लस द एसेसरी ऑर्गेन ऑफ डाइजेस्टिव टंग। कुछ जो इसके ऑर्गेन है जैसे टंग, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। डाइजेशन ये सब जो है ये ऑर्गेन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अलावे भी बहुत सारे ऑर्गेन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे अभी बताएंगे। डाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट अंटिल दे कैन बी एब्जॉर्ब इंटू द बॉडी। ये जब तक हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं, जब तक हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, तब तक इसको छोटे से छोटे टुकड़े में, एकदम स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट में इसको ब्रेक डाउन करता है। दैट मीन्स फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी मॉलिक्यूल्स में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक इसका ब्रेकडाउन होते रहता है। उसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। आइए इसको हम आपको डायग्राम के हेल्प से समझाते हैं, जिससे अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। तो ये है हमारा डाइजेशन का पूरा ऑर्गेन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन है, पर सारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डाइजेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो मेन मेन रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है उसको हम लोग यहाँ पे, उस ऑर्गेन के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा सबसे फर्स्ट है, क्या है, सबसे फर्स्ट ऑर्गेन है माउथ। ये और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गेन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम लोग माउथ या बक्कल कैविटी दोनों ही बोलते हैं। ये माउथ है, इसी को हम लोग माउथ और बकल कैविटी दोनों बोलते हैं। यहाँ से सैलिवरी ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, ये सैलिवरी एमाइलेज रिलीज करता है, जिससे हमारा फूड जो भी हम लोग भोजन मुंह में रखते हैं और टीथ के हेल्प से उसका ब्रेकडाउन करते हैं, जब हम लोग उसको चबाते हैं तो हमारे मुंह में एक लार, जिसको सैलिवरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है सैलिवरी एमाइलेज, वो निकल के उसको भोजन को मॉइस्ट प्रदान करता है, जैसे कि मॉइस्ट कर देता है, बिल्कुल एकदम नमी देता है और पूरी तरह से भोजन को मिक्स होने में हेल्प करता है, जिससे यहाँ पे फूड अच्छे से हमारे निगल सके, हम ओसोफेगस में जा सके, जो हार्ड प्रोडक्ट होते हैं, हार्ड फूड होते हैं। तो हम लोग ये जो हमारा फूड होता है यहाँ से हम लोग खाते हैं, और इसी माउथ से और बकल कैविटी से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है कनेक्टेड, और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को फूड पाइप या इसोफेगस हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप और इसोफेगस। और इस इसोफेगस से यहां से एक जे शेप्ड का ऑर्गेन कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। और इस स्टमक जो है ये स्टमक से एक सर बहुत सारे क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए यहाँ पे है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक बड़े से क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, जिसको रेक्टम बोलते हैं, और ये रेक्टम लास्ट में एंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस,
जब हम लोग टॉयलेट में जाते हैं तो जो हम लोग टॉयलेट में जाने के बाद जो हमारा फूड जो है जो हम लोग खाते हैं वो जिस निकलता है तो इसी प्रोसेस से निकलता है, इसी ऑर्गेन से निकलता है। इस ऑर्गेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ऑर्गेन है और सारे ऑर्गेन को, जितना भी ऑर्गेन को हम यहाँ पे आप बताएंगे डिस्कस कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब जैसे देखिए, फूड हम लोग लिए, यहाँ से मुंह में फूड है, मुंह से ऐसे करके फूड को हम लोग दांत के हेल्प से काट कर चबा कर उसको निगलते हैं। यहाँ से निगलने के बाद ये फूड जो है पूरा ये जो ओसोफेगस से होते हुए हमारा स्टमक में आता है, और स्टमक में आने के बाद यहाँ पे जो इसोफेगस है, इसोफेगस में 2 से 3 घंटा तक यहाँ पे स्टे करता है। ऐसा नहीं है कि खाना गया और डायरेक्ट स्टमक में चला गया, 2 से 3 घंटा तक यहाँ पे स्टे करता है। फिर एक स्पिंक्चर होता है, सर्कुलर स्पिंक्चर, जो कि अलाउ करता है कि हाँ पूरी तरह से फूड जो है स्टमक में जाने के लिए प्रिपेयर हो गया है। तो इसको फिर ये अलाउ करता है स्पिंक्चर, यहाँ पे सर्कुलर टाइप का एक होता है स्पिंक्चर मसल्स होता है जो कि जान परमिशन देता है। इसी तरह के बहुत जगह पे होते हैं, देखिए यहाँ पे भी होते हैं स्पिंक्चर होते हैं, और कई जगह पे स्पिंक्चर पाए जाते हैं कि हम पास करने में हेल्प करता है। फिर ये स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का सारे पार्ट ये पूरी पाइपलाइन को कवर करते हुए फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये धीरे 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 लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये रेक्टम से होते हुए एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जितना ये फूड जो है यहाँ से माउथ से आने से यहाँ से लेकर पूरी तरह से इसोफेगस से होते हुए स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से एनस तक का जो भी पाथ कवर करता है, इस पूरे पाथ को हम लोग गट या एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। तो गट या एलिमेंट्री कनाल बोलने का मेरा मतलब है कि फूड जितना भी सारा कुछ पाथ को ट्रेवल कर किया, जैसे कि माउस से पूरे एनस तक का जो पाथ है उसको ट्रेवल किया, उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल या गट बोलते हैं। अब देखिए आप लोग को, अब इसके आगे हम आप लोगों को बताते हैं, आगे छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स भी एक इसी का पार्ट है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, पर इसका कोई यूज नहीं होता है। समटाइम्स इसको जो है डॉक्टर्स जो है वो काट करके इसको हटा देते हैं, क्योंकि जब हम लोग का फूड होता है उसमें कभी कभी होता है ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है, फूड उसमें जाकर फंस जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आइए इसके आगे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। ये देखिए, ये आपको अभी हम जैसे हम दिखाए कि इसोफेगस के बारे में दिखाए, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से वर्ड्स पे स्पेलिंग पे फोकस करना है, और सारे नाम्स को जितने भी अभी हम नाम बताए हैं उसको आपको याद रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये देखिए इसोफेगस है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, इसोफेगस जो है आपको कहीं देख रहा होगा एक्सपेंडेड है, यहाँ देखिए ये क्या है, एक्सपेंडेड है, ये कंस्ट्रक्टेड है कहीं पे और कहीं पे एक्सपेंडेड है पार्ट, ये पार्ट एक्सपेंडेड है और ये क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होता है, भगवान ने बनाया तो ऐसा क्यों नहीं बनाया कि एक देखिए इस जैसे पाइप है, ये पाइप के जैसा एक बना देते कि यहाँ से हम लोग फूड डालते और फूड जो है वो पूरा नीचे की तरफ स्टमक में चला जाता, ऐसा क्यों नहीं बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप लोग सोचेंगे कि ऐसा है तो ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे फूड डाले और ये फूड ग्रेविटेशनल फोर्स के तरह से ग्रेविटेशन के तौर पे नीचे आकर के स्टमक में गिर जाता है, ऐसा नहीं है। ये जो होता है ओसोफेगस ये बहुत टाइट होता है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टेड और एक्सपेंडेड, जब फूड यहाँ से नीचे जाता है तो बहुत ज्यादा जो होता है एक्सपेंडेड होता है कहीं पे, कहीं कंस्ट्रक्टेड होता है, मतलब बहुत ज्यादा ये जो है टाइट रहता है, इसको नीचे जाने में बहुत मुश्किल लगता है, एकदम डायरेक्ट फूट गया और पाइप के जैसा नीचे नहीं जाता है।
और ये जो हमारा ऐसोफेगस रहता है माउथ में, ये सिर्फ यहाँ पे जो है सिर्फ यही नहीं रहता है, इसके बगल में एक विंड पाइप भी होता है यहाँ पे, माउथ विंड पाइप, जो कि हम लोग जब कभी कभी हम लोग हालांकि सांस लेते हैं नोज से, एयर जो है हमारा नोज से जाता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसको हम लोग दूसरे वीडियो में समझाएंगे, पर इसमें हम अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जहाँ मुंह से भी एयर ले लेते हैं, तो ये जो है हमारा एक यहाँ पे क्या होता है ना कि जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब मसल्स टाइप्स का होता है, जो कि इसको अलाउ नहीं करता है, जैसे कि फूड आता है तो वो शटर ऐसे हट जाता है, और उस तरह इस तरह का होता है, फूड यहाँ से आया इसमें चला गया, ये एयर का पाइप है और ये फूड का पाइप है, तो यहाँ से फूड आता है तो ये क्या करता है, जैसे फूड आता है तो ये इस तरह से ऐसे डाउन हो जाता है, तो ये फूड इसमें नहीं जाता है, एयर पाइप में ना जा करके फूड पाइप में चला जाता है, तो ये तो रहा हमारा इसोफेगस। आइए इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ये जो इसोफेगस है जो कि फूड जाने का जो प्रोसेस है, ये जो है उसको हम लोग पेरिस्टेटिक मूवमेंट बोलते हैं, जो आप देख रहे थे यहाँ पे कभी एक्सपेंड हो रहा है, कभी कंस्ट्रक्टेड है, कभी एक्सपेंडेड है, यहाँ जो कंस्ट्रक्टेड है और यहाँ पे एक्सपेंडेड है, तो ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड द पेरिस्टल्सिस रिफर्स टू द कंस्ट्रक्टेड एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड इन द ओसोफेगस एंड द फूड पाइप एंड द फूड इज फोर्स्ड डाउन द ट्रैक टू द स्टमक, दिस मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री एंड इज नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड डाउन टू स्टमक एंड बॉल डाउन टू द एनस। अब जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंडेड और कंस्ट्रक्टेड क्यों है, इतना ज्यादा एक्सपेंडेड कंस्ट्रक्टेड होना क्या जरूरी था, डायरेक्ट इस तरह का पाइप होता कि डायरेक्ट होता तो नहीं, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग खाना खाते हैं और जैसे देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग खाना खाए और ऐसे लेट गए, सीधा लेट गए, और उस सिचुएशन में आप सोचिए कि अगर ये ग्रेविटेशन के तौर पे जैसे पाइप था एक, इस तरह से हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि एक पाइप रहता और इस तरह से ऐसे फूड यहाँ पे आता और ये ग्रेविटेशन के तौर पे नीचे स्टमक में चला जाता, अगर इस तरह का प्रोसेस होता तो क्या है, जब हम लेटे हुए होते या फिर हम पेड़ से, कभी कभी क्या होता है कि पेड़ से उल्टा लटक करके भी हम एप्पल वगैरह फ्रूट्स वगैरह कुछ खाते रहते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा फूड जो है वो स्टमक तक जा पाता है, नहीं जा पाता, इसीलिए पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इसीलिए जरूरी था, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद, ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा खाना खाने के बाद खड़े ही रहे कि डायरेक्ट फूड स्टमक में जाए, कभी खाना खाने के बाद अचानक से हम लोग लेट जाते हैं या फिर उल्टे लटक करके भी हम लोग कुछ खा रहे होते हैं, इसलिए इस सब चीजों के लिए पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था, और यही जो मूवमेंट है ये पेट में फूड जाने का, स्टमक में, ये मूवमेंट इसके लिए बहुत जरूरी था, तो क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों के पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्यों जरूरी था हमारे लिए। तो आइए थोड़ा सा हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी जान ले, स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोग जैसा कि नाम जानते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, 6 to 7 मीटर, ज्यादा भी हो सकता है, 6 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 मीटर हो सकता है इसकी लेंथ, 22 फीट, आप समझ नहीं सकते कि 22 फीट कितनी ज्यादा होती है, एक डबल फ्लोर बिल्डिंग जो होती है ना इसकी, इसकी हाइट की हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो होता है इसके हेल्थ। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है और स्मॉल बॉयल जो होता है इज एन ऑर्गेन इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जो जीटी ट्रैक है इसमें, वेयर मोस्ट ऑफ द इंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स, मिनरल्स और फूड का जो यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है वो इस जगह पे होता है, ये कहाँ पे रहता है, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहता है, और साथ ही ये पेनक्रेटिक जूस जो है उसको रिसीव करता है, हालांकि ये जो हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन,
ये आपको दिख रहा होगा कि कितना कंजस्टेड है, ये दिख रहा है ना आपको कितना ज्यादा एकदम बिल्कुल क्वाइल्ड है, कंजस्टेड है, क्योंकि ये इसलिए ऐसा है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, 22 फीट बहुत ज्यादा होती है। ये जो देखिए आप, दो डबल फ्लोर बिल्डिंग जो है इसकी हाइट के अराउंड होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की हाइट। तो समझ आ गया होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज लार्ज बॉयल, इसको हम लोग लार्ज बॉयल भी बोलते हैं, इज द लास्ट पार्ट ऑफ द गैस जीटी ट्रैक का ये लास्ट पार्ट है, एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्टिब्रेट्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका लास्ट पार्ट है। वाटर यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और जो भी रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर्ड होता है, और यहीं से रेक्टम से होते हुए एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर होती है, इसका जो हाइट है ये क्या होता है 1 पॉइंट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सबके दिमाग में कॉमनली आएगा ही, कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा था, 6 मीटर 7 मीटर था, 22 फीट तक उसकी लेंथ थी, तो फिर उसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, और ये तो 1.5 मीटर ही है, तो इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हम लोग लेंथ के हिसाब से इसको नहीं लेते हैं, इसका जो वाइड होता है, ये जो जितना वाइड होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये वाइड होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो थिन होता है, इसी पे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। साथ ही देखिए आपको इसके साथ में एक ऑर्गेन आपको अटैच यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, क्या बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। ये पाउच लाइक सेक होता है, एकदम बिल्कुल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से दिखता है इसका, हालांकि हमारे बॉडी में कोई उपयोग नहीं है, ज्यादातर ये ट्रबल ही हमारे बॉडी में क्रिएट करता है, इसलिए कभी कभी जब ऑपरेशन होता है तो इसको डॉक्टर जो है कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे तो काट करके इसको हटा के बाहर निकाल देते, क्योंकि इसमें फूट जा करके फंस जाता है और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं बॉडी, जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गेन थे, मेन मेन ऑर्गेन था, जितना भी मेन ऑर्गेन है हम सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ग्लैंड है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड मतलब अगर हम आपको बोले तो आपको क्या लगता है कि एक ग्लैंड होगा, नहीं, एक ग्लैंड नहीं है, ये तीन ग्लैंड है जो कि मिलकर के सैलिवरी ग्लैंड बनाते हैं, तीन तरह के यहाँ पे ग्लैंड्स है मिलकर के सैलिवरी ग्लैंड बनाते हैं। ये सलाइवा सेक्रेट करता है, क्या करता है, सलाइवा सेक्रेट करता है, और एंजाइम जो है सलिवरी अमाइलेज एंजाइम, ये सेक्रेशन होता है यहाँ पे। ये कहाँ पे रहता है, ये हमारे माउथ में रहता है, लीवर फर्स्ट नंबर में था सलिवरी ग्लैंड, सेकेंड नंबर में है लीवर, सेक्रेट ग्रीनीज येलो वाइल, ये कैसा है, ग्रीनीज येलो कलर का वाइल को सेक्रेट करता है, जो कि टेम्पररी जो है स्टोर्ड होता है इन गॉल ब्लाडर बिफोर इट इज सेंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट देखिए यहाँ पे आपको एक डक्ट दिख रहा है, बाइल डक्ट स्मॉल इंटे, ये आपको लग रहा होगा कि स्टमक के बगल में है तो स्टमक में जाता होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये जो होता है येलो बाइल जो होता है ग्रीनिश येलो जो लीवर सेक्रेट करता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में नहीं जाता है। जब तक ये नहीं सेंड होता है तब तक ये कहाँ पे रहता है, गॉल ब्लाडर में, यहाँ पे गॉल ब्लाडर में जमा रहता है। और नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियास बिहाइंड स्टमक, ये कहाँ पे रहता है, पेनक्रियास जो है बिहाइंड स्टमक, क्या करता है, जूस सिक्रेट करता है, पेनक्रेटिक एमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के जूस को ये सेक्रेट करता है। तो ये था हमारा तीन ग्लैंड जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, पार्ट लेता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, मैंने इस वीडियो लेक्चर में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।